चाय के ऊपर ये मलाई क्यों बन जाती है? कैसे इस आदमी ने बस दो डॉट बनाकर 7 करोड़ का नुकसान करवा दिया? और ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो आप रोज तोड़ते हो? और आईफोन बस 4 GB का होने के बाद भी हमारे 8 GB के एंड्रॉइड फोन से इतना फास्ट कैसे चलता है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 22, एक बार एक आदमी ने बस 2 डॉट बनाकर 7 करोड़ का नुकसान कर दिया। एक आर्ट गैलरी में एक नए सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया था, पर गार्ड वहां काफी बोर हो गया तो उसने वहां देखा कि एक पेंटिंग थी जिसमें आंख नहीं थी, तो इसने आंखों को ड्रॉ कर दिया। पर फिर पता चला कि इस पेंटिंग की कीमत 7 करोड़ की है और इस गार्ड ने बस अपनी बोरियत की वजह से उस पेंटिंग को बिगाड़ दिया। इसके बाद उसे नौकरी से ही निकाल दिया गया। नंबर 21, ये कैट की प्रजाति बहुत अजीब है। ये कैट बिल्कुल किसी चीते जैसा दिखती है लेकिन होती बिल्कुल एक डॉग की तरह है। आप इसे अपने घर पर भी पाल सकते हो। इसे सबसे ज्यादा लॉयल कैट भी कहा जाता है और इसलिए लोग कहते हैं कि ये एक डॉग की तरह वफादार भी होती है। नंबर 20, आप नाक से सांस लेते वक्त बात नहीं कर सकते चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि हमारी एक ही विंड पाइप होती है तो वो दो काम एक साथ नहीं कर सकते। और ये चीज आपने कभी नोटिस नहीं की होगी कि आप जो लॉलीपॉप खाते हो वो बेसिकली आपका ही थूक होता है, बस फ्लेवर के साथ। जी हाँ, सुनने में काफी अजीब लगता है। और आज आपने एक रिकॉर्ड तोड़ा है और ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आप रोज तोड़ते हो, वो है मोस्ट डेज यू लिव्ड ऑन दिस प्लैनेट। नंबर 19, न्यूज देखना अच्छा होता है लेकिन आपको ज्यादा न्यूज भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जो लोग ज्यादा न्यूज देखते हैं वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं और उनका दुनिया को लेकर बहुत नेगेटिव व्यू पॉइंट होता है, क्योंकि न्यूज वाले ज्यादातर नेगेटिव न्यूज ही कवर करते हैं, इसीलिए ज्यादा न्यूज देखना भी सही नहीं है। नंबर 18, जो लोग रोजाना तीखा खाना खाते हैं वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा सालों तक जीते हैं। अब जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही हो, पर ज्यादातर केसेस में ऐसा ही देखा गया है। पर आपको ज्यादा तीखा भी रोजाना नहीं खाना चाहिए। नंबर 17, इस इमेज को देखो, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पेड़ लगाने से और ना लगाने से कितना फर्क पड़ता है। आप दोनों के टेम्परेचर को देखो, दोनों जगह पर टेम्परेचर में जमीन आसमान का फर्क है। नंबर 16, आपने फेमस कार्टून फिनेस एंड फर्ब को देखा होगा लेकिन इनका जो कैरेक्टर डिजाइन है वो बिल्कुल इनके नाम के ऊपर किया गया है। जैसे कि फर्ब में एफ होता है तो इसको एफ शेप में ही बनाया गया है और फिनेस में पी होता है तो फिनेस को भी उसी शेप में बनाया गया है, बस फेस को थोड़ा सा ट्रायंगल किया गया है। वैसे आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि 2 मिलियन भी बहुत करीब। नंबर 15, World War I में जो लोग अपने नाक को गोली की वजह से खो देते थे वो उसकी जगह वहाँ पर अपने मिडिल फिंगर के पीस को लगाते थे, इससे उन्हें एक नाक मिल जाती थी पर वो कुछ काम नहीं कर सकते थे और बदले में उनकी उंगली भी चली जाती थी, इसलिए वुडन और प्रोस्थेटिक नाक बनने लगे ताकि उंगली को फालतू में ना गंवाना पड़े। नंबर 14, इस कमाल के स्टैचू को देखो, इस स्टैचू को देखकर लगता है जैसे इसके ऊपर किसी तरीके का ट्रांसपेरेंट कपड़े को लगाया गया है लेकिन असल में ये ऐसे पत्थर से बनाया गया है। वाओ, इस स्टैचू के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 13, इस फोटो को देखो, ये फोटो एक सेब के बगीचे का है जहाँ एक तूफान आया था जिसकी वजह से ये पूरे सेब नीचे गिर गए और वो ऐसे दिख रहे हैं। कई लोगों को ये फोटो फेक लगता है लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। नंबर 12, 2017 में आमिर खान सर की दंगल को पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया गया था क्योंकि पाकिस्तान सेंसर बोर्ड ने कहा था कि वो मूवी में से इंडियन नेशनल एंथम को निकाल देंगे और ये बात आमिर सर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इससे आमिर खान सर को 10 से 12 करोड़ का नुकसान हुआ और अगर मूवी हिट जाती तो पाकिस्तान में 50 करोड़ तक का भी मार्केट था, लेकिन इन्होंने फिर भी इसको रिलीज नहीं करवाया। नंबर 11, ये फैक्ट तो नहीं पर ये मुझे काफी फनी लगा। इस बच्चे ने अपने पिता से कहा कि वो इस डॉग को ट्रेन करना चाहता है तो उसके पिता ने कहा कि यूट्यूब पे सर्च करो, तो इस छोटे बच्चे ने यूट्यूब पर उस वीडियो को सर्च किया और अपने डॉग को दिखाने लगा। जब ये सोशल मीडिया पर शेयर हुआ तो लोगों को ये काफी फनी लगा था। नंबर 10, अगर आपको भी जानना है कि अमेजोन से कहीं आपको दूसरों का वापस किया गया प्रोडक्ट तो नहीं मिला तो आपको उसके बार कोड को देखना है। अगर बार कोड पर LPN लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट रिटर्न है, यानी कि इसे पहले किसी और ने खरीदा हुआ है। नंबर 9, इंटरनेट पर जो सबसे पहली चीज ऑनलाइन बेची और खरीदी गई थी वो थी एक पैकेट गांजा। इंटरनेट पर लोगों ने सबसे पहली चीज गांजा बेचा था, तभी कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप तो नहीं था तो ये कॉल और इंटरनेट के जरिए बेचा गया होगा। नंबर 8, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो लोग पब्लिक में अपने हाथ को जेब में लेकर चलते हैं वो बहुत ज्यादा एंटी सोशल और शर्मीले होते हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है और इसीलिए वो ओपनली नहीं चल सकते। नंबर 7, एक आदमी को अपने इमेजिनेशन जैसी लड़की से शादी करनी थी तो उसने अपने हिसाब से अपने ड्रीम गर्ल को ड्रॉ किया। ये बहुत मशहूर पेंटर था इसलिए इसकी ड्रॉइंग को किसी आर्ट गैलरी में रखा गया था और किस्मत से इसे वहाँ अपनी ड्रीम गर्ल मिल गई, यानी कि ये लड़की बिल्कुल इसके ड्रॉइंग जैसे दिखती थी और फिर इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। नंबर 6, जो मेथनी नाम का एक शख्स था जिसकी छोटी सी बर्गर की दुकान थी और लोगों को इसके बर्गर बहुत पसंद आते थे, लेकिन फिर आगे जाके पता चला कि इसके बर्गर बनाने में ये जो मीट यूज करता था वो बस पिग नहीं
टेबल के पिक के साथ इंसानों का भी था। दरअसल ये एक साइको किलर था। ये सुबह बर्गर बेचता था और रात को लोगों को बस अपने मजे के लिए मारता था और फिर सुबह उनके मीट से बर्गर बनाता था। ये ऐसा इसलिए करता था क्योंकि इससे लोगों को मारने में मजा आता था। नंबर 5, ये जो पत्थर आप देख रहे हो ये बीच में पूरी तरीके से परफेक्टली काटा गया है, जैसे कि किसी लेजर से काटा गया हो। और ये पत्थर इतने छोटे एरिया में होने के बाद भी नहीं गिरता। अब इसे किसने बनाया और कैसे बनाया, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और इसे अल नस्ला रॉक भी कहा जाता है। नंबर 4, एक बार एक गोल्डफिश के शरीर में ट्यूमर हो गया। आमतौर पर ऐसा होता है तो लोग उसे मरने छोड़ देते हैं, लेकिन इस आदमी ने खास डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके गोल्डफिश के ट्यूमर को निकलवाया और उसके लिए डॉक्टर ने 15,000 रुपए लिए। उस डॉक्टर ने करीब 45 मिनट की सर्जरी की थी। शायद ये पहली गोल्डफिश होगी जिसकी सर्जरी ऐसी हुई होगी। नंबर 3, एलिसा कासन नाम की एक लड़की है जो बस 17 साल की है और ये ना ही शादी करेगी और ना ही कभी बच्चों को जन्म देगी। ये मार्स पर जाने वाली सबसे पहले लोगों में से एक होगी और फिर ये वहाँ पर कुछ वक्त तक रहेगी। और मार्स पर पहली बार इंसान जा रहे हैं तो वहाँ क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं है, तो हो सकता है कि ये कभी वापस ना आए, लेकिन ये फिर भी रिस्क लेना चाहती है। नंबर 2, आईफोन में कम रैम होने के बाद भी वो इतना स्मूथ कैसे चलता है। वैसे तो आईफोन में यूजुअली रैम होता ही नहीं, आईफोन रैम वाले सिस्टम को यूज ही नहीं करता, लेकिन इसके बाद भी अगर आईफोन के रैम को कंपेयर किया जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा 4 या 6 GB के बीच होता है। इसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा स्मूथ और अच्छा चलता है और कई साल यूज करने के बाद भी वो स्मूथ ही रहता है। उसका रीजन है फोन का ऑप्टिमाइजेशन। आईफोन का रैम, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, A to Z सारी चीजें एप्पल ही बनाता है, जिसकी वजह से आईफोन के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे में काफी ज्यादा कंपेटेबल होते हैं और उसकी वजह से चीजें फास्ट होती है और ऑप्टिमाइजेशन फास्ट होती है, जिसकी वजह से फोन भी फास्ट और स्मूथ चलता है। नंबर 1, आपने इस चीज को कई बार नोटिस किया होगा कि चाय या दूध ठंडा होने के बाद उसके ऊपर ऐसी मलाई बन जाती है, तो ऐसा क्यों? उसके पीछे एक रीजन है कि दूध के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है और उसके अंदर करीब 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं और उसमें से जो वे प्रोटीन होता है वो गर्म करने पर आपस में वे प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना देता है और इस बॉन्ड की वजह से प्रोटीन एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। साथ में वो फैट को भी आपस में चिपका देता है और जब दूध या चाय ठंडी हो जाती है तो ये सतह पर आ जाती है और इससे एक सॉलिड बन जाता है और ये मलाई वही सॉलिड फॉर्म होती है। अब आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि 2 मिलियन भी बहुत करीब है। और हमारी अगली वीडियो आने तक आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।